ओ भाई मेरी बहना पढ़ो लिखो जी आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी तुम सब साथी बन जाओ होशियार बहना बन जाओ होशियार पढ़ लिख कर तुम सब साथी बन जाओ होशियार साथी बन जाओ होशियार अक्षर ज्ञान के दीप जला लो कट जाए अंधियारा अक्षर ज्ञान के दीप जला लो कट जाए अंधियारा पढ़ो लिखो भाई जिधर भी देखो जितने दूर तक देखो अनाज ही अनाज सचमुच पंजाब की असली समृद्धि के दर्शन तो यही होते हैं। जी हाँ, ये है फरीदकोट जिले के कोटकपूरा की प्रसिद्ध अनाज मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी के रूप में जानी जाती है। और अन्न धन की समृद्धि के साथ साथ पंजाब का ये जिला समृद्धि के एक और मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। ये है संपूर्ण साक्षरता का मुकाम। कभी पंजाब में सबसे अधिक अनपढ़ता वाले जिले के रूप में माननीय फरीदकोट संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता के दो लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुका है। उत्तर साक्षरता अभियान के पूरे होने पर आयोजित इस समारोह में अपने उत्कृष्ट योगदानों के लिए पुरस्कार पाने वाले स्वयं सेवकों के चेहरे पर झलकता आत्मसंतोष इस बात का प्रतीक है कि इस पूरे अभियान के दौरान इनकी लगन और निरक्षरों को पढ़ाने के प्रति इनका समर्पण रंग लाया है। तभी तो यहाँ साक्षरता अभियान के लक्षित समूह 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 80% अनपढ़ अब साक्षर हो गए हैं। इस प्रकार से आज ये जिला सतत शिक्षा के द्वार पर खड़ा है। जब ये प्रोग्राम पोस्ट लिटरेसी का हमारे समाप्त हो रहा है उसके बाद एक मूवमेंट सी चली है, एक लहर सी चली है लोगों में पढ़ने की, उसमें जागृति आई है, वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम कंटिन्यूइंग लिटरेसी की स्कीम जल्दी ही इस जिले में शुरू करना चाहेंगे, जिसमें जो हमारे लिटरेट्स हैं, न्यू लिटरेट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई आगे शुरू रखें, जारी रख सकें। फरीदकोट जिले की ये उपलब्धि और लोगों के जीवन में आया ये बदलाव किसी एक दिन के प्रयास का नतीजा नहीं है, बल्कि अप्रैल 1994 में जब यहाँ संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई, तब से लेकर आज तक इस अभियान की सफलता के लिए कई स्तरों पर कोशिश की गई। इसके लिए साक्षरता अभियान के कार्यकर्ताओं ने बैठकों में विचार विमर्श किया कि निरक्षरों को कैसे साक्षर बनाया जाए। इस काम में सहयोग देने हर कोई आगे आया। ये है यहाँ का एक समृद्ध सांस्कृतिक आयोजन जागो, जो शादी ब्याह के मौके पर होता है। साक्षरता के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए विशेष गीतों की रचना कर साक्षरता अभियान को जागो से जोड़ा गया। दरअसल जागो के दीपों से निकलने वाली इस मध्यम रोशनी ने कईयों के जीवन में साक्षरता का विशाल प्रकाश पुंज फैलाया है। तो साक्षरता कक्षाओं में बड़ी संख्या में अनपढ़ अक्षर ज्ञान पाने लगे। हर उम्र और हर वर्ग की महिलाओं और लड़कियों ने यहाँ पढ़ना लिखना सीखा। काबड़ा की बचिंदर पाल कहती है कि माँ बाप ने तो इन्हें नहीं पढ़ाया, लेकिन इस उम्र में पढ़कर भी इन्हें काफी अच्छा लगता है।
पहले जी साढ़े माँ प्यो जड़े सी वो इन्ना पढ़ा नहीं सकते हूँ जड़े साखरता वाले ने खोले सेंटर ये साढ़े वास्ते बहुत भी जरूरी है इस करके साढ़े मन दे विच आई पी असी भी साखरता विच जाइए कुछ सीखिए कुछ पढ़ लिए कुछ अगे जड़ा समा आने वाला है वो सानू कोई मुश्किल ना आए ये बहुत वधिया प्रोग्राम साढ़े साखरता वाले डी साहब जो खोलिया। पढ़ाई लिखाई से होने वाले फायदों की बात करते हुए मुक्तसर की सुखदेव कौर कहती है कि पढ़ाई के महत्व को इन्होंने अब समझा है। पहला पढ़ नहीं जानते सी हुण पढ़ लेने हैं भी कोई शहर च सौदा लैन जाइए भी धोखा नहीं खाते हुण हिसाब कर लईदा आपदा घर का खर्चा सब हिसाब नाल चला लैने हैं। पहला बच्चे नहीं पढ़ते सी साडे हुण मैं बच्चे पढ़न ला रहे भी बाहर बस च जाइदा बस का बोर्ड पढ़ लैने हैं जी पढ़ाई का यह फायदा होया भी कोई नुकसान किसी को धोखा नहीं खाते जी। और इस तरह की साक्षरता कक्षाओं को सिर्फ अक्षरों के औपचारिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा गया बल्कि शुरू से ही इसके आयाम को व्यापक रखा गया। जैसे कि अनुदेशक सुखविंदर कौर कहती हैं कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ दूसरी तरह की जानकारियाँ भी दी गई। और तो अपने बारे एक तो उन्होंने पता लगा अपनी सेहत बारे भी जागरूक हुई है बच्चे ने टीके कदों कदों ते किवें लगवाने हैं पिंडां दी सफाई का प्रबंध होना चाहिए स्कूलों की सफाई का प्रबंध होना चाहिए उन्होंने बारे सोच दी है अगों होरां नूं भी जिहड़ियां पढ़ चुकियां अगे भी पढ़ाउंदियां हैगियां पिंडां दे विच उन्होंने सोच दी भी हस्पताल भी होना चाहिए कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए है। हम उनको समाज की जो बुराइयां है नशा की बुराई है और दाज की बुराई है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए उनको जथेबंद करते रहे। बहुत सारे जो गांव की लड़कियां हैं गांव की लेडीज हैं उन्होंने इसमें बहुत सारा हमारा सहयोग दिया और काम किया। जाहिर है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान ही यहाँ निरक्षरों के साथ साथ निराश्रितों के विकास के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की गई। इसीलिए अक्षरों के औपचारिक ज्ञान के बाद जब उत्तर साक्षरता का दौर आया तो नवसाक्षरों के मन में एक नया उत्साह था और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। उत्तर साक्षरता की मुहिम में एक नया विश्वास अब लोगों में आया है सभी वॉलंटियर के मन में और दूसरे जो इस साक्षरता की मुहिम के साथ काम करने वाले लोग हैं कि हम अपनी समस्याएं को खुद हल कर सकते हैं इकट्ठे रल के चल सकते हैं और इस समाज के नव निर्माण के लिए हम इकट्ठे होकर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य है जो पहले से ज़्यादा सुंदर हो सकता है अच्छा हो सकता है। इसीलिए आज जब ये जिला उत्तर साक्षरता के बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहा है तो इसी में ये नारा भी चल रहा है ये नारा दिया गया है कि लोक चेतना की गल करांगे रल मिल मसले हल करांगे। साक्षरता ने यहाँ के जीवन को किस तरह की बुलंदी दी इसकी मिसाल है गडू गांव की महिला पंच हरदीप कौर। गांव वालों के सहयोग से गांव के रास्ते और नालियों को साफ सफाई करती इस महिला की खास बात ये है कि ये पहले बिल्कुल अनपढ़ थी। सारे ने इत्थे वर्कशॉप लाई किताबां दित्तियां सानू वाधू समान मिलदा रहा असीं पिंड च अपलाई करदे रहे सारा समान पिंड च जांदा रहा जो पिंड समान जाता जी कोई उत्साह करके भैन पढ़ती से उन्होंने पढ़ाते रहे जी कोई नहीं पढ़ती से उस नाल भी मत्था मारते रहे भी जे पढ़े तो जो उन्होंने पढ़ाना आप भी पढ़े साखरता दे विच जिहड़े कायदे समान मेरे कोले हुंदा सी मैं पढ़ी जाती जिवें जिवें पढ़ी मैनूं हिसाब आ गया जो असीं मीटिंगां साखरता दी मीटिंग च जाण लग गए फिर मीटिंगां जाण दा पता लग गया फिर स्टेज ते भाषण देना सिख गए। पढ़ना लिखना सीख लेने के बाद हरदीप कौर के हर कदम से अब आत्मविश्वास झलकता है। हिम्मत नहीं सी पैंदी बाहर बंदियां नाल गल करन दी ना ही किसी अफसर नाल हुण बेझिझक हो के आपदा हक मंग लईदा स्टेज ते जाके मंग लईदा भावें डीएसपी बैठा भावें एसपी बैठा हुण कल असीं जदों फरीदकोट गए सी फंक्शन दे विच ते मेरा मन ये चाह रहा सी भी जे मैनूं बिंदक भी टाइम दे देना ते मैं आपदे पिंड दीआं सारीआं मंगां मंग लां ना तां साडे पिंड च डिस्पेंसरी है चज नाल ना साडे पिंड दे विच डंगर हस्पताल है। अपने अधिकारों और समस्याओं की बात करने वाली ये महिला पंच गांव की महिलाओं के पास जाती है उनका दुख सुख सुनती है और उन्हें साक्षरता के महत्व को बताकर उन्हें एक नए जीवन की ओर प्रेरित करती है। और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नव साक्षर परमजीत कौर आज द्वाकरा के गांव इकाई की चेयरमैन बन गई है। बिल्कुल पढ़ना नहीं आता सीगा भी तीजी साखरता विच जान लग गया सानू पढ़ना आ गया पढ़ने तो बाद सानू भी स्कीमां दे विच पता लगन लग गया भी किद्दां स्कीमां हैगियां फिर असीं स्कीमां दे विच आ गए ते इस करके मतलब सानू पढ़ाई दा फायदा होया। इसी तरह के उदाहरणों और प्रयासों ने फरीदकोट के साक्षरता अभियान को एक अलग पहचान दी है। इत्थे पूर्ण साक्षरता दी मुहिम तों बाद उत्तर साक्षरता मुहिम चली इहदा मुख कारण सब तों है असीं इस मुहिम नूं लोकां दी लहर बनाया लोकां दी लहर बनाउण लई असीं अध्यापक वर्ग नूं पिंडां दीआं पंचायतां नूं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਓਂ ਔਰ ਲੜਕੀਓਂ ਕੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਨੇ ਪਰ। ਇਸਕੇ ਲਿਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੋਂ ਪਰ ਨਵ ਸਾਕਸ਼ਰ ਔਰ ਅਰਧ ਸਾਕਸ਼ਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਕੂਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੀਚ ਮੇ ਹੀ ਛੋੜ ਚੁਕੀ ਲੜਕੀਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਟਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਮ ਮੇ ਆਗੇ ਆਈ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੀ ਜੈਸੀ ਅਨੁਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਕਟਾਈ ਕੀ ਬਾਰੀਕੀਓਂ ਕੋ ਬੜੀ ਆਤਮੀਯਤਾ ਔਰ ਨਫਾਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਬਤਾ ਕਰ ਇਨਕੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੀ ਨਈ ਸੰਭਾਵਨਾਓਂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। यहाँ सिलाई कढ़ाई पेंटिंग सारा काम सिखाया जाता है। ये इन्हीं के फायदे के लिए देखा गया, अभी ये लड़कियाँ बेकार हैं, ये अभी काम कुछ कर सकती नहीं, महंगाई को देख के हमने ये स्कीम चलाई है। भी ये स्कीम चलाने से कुछ तो ये काम सीखेंगी, कुछ ये पैसा बचाएंगी, समय बचेगा, दर्जियों के पास घूमती हैं, और अगर इनको आत्मनिर्भर होगी अपने आप, जब सीखेंगी अपना करेंगी, मोल का करेंगी और अपना खर्चा बचा के दो पैसे का काम करके अपने घर में जोड़ लेंगी कुछ। सिलाई कटाई को बड़ी तन्मयता से सीख रही शकुंतला देवी को इस बात की तसल्ली है कि अब उसे खाली नहीं बैठना पड़ेगा। बेरोजगारी से अच्छा है कि हम काम करें, घर पे के बैठ गए। मंजू बाला भी काफी बुलंद इरादों के साथ यह सिलाई कटाई सीख रही है। जे हम सीख के आगे अपने बच्चों का बनाएंगे, घर का बनाएंगे, जे मान लो हमें मजबूरी भी होगी, हम दूसरों का काम करेंगे, उसके पैसे मिलेंगे, हम दूसरों का भी ना करेंगे तो घर में सिलाई की लड़कियां रखेंगे, उनको सिखाएंगे। यहाँ गलीचे की बुनाई का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे भी मकसद साफ है, कमजोर तबके की महिलाओं को अपना जीवन खुद जी सकने लायक बनाना। और ये है राजरानी, पति की मृत्यु के बाद इनके लिए धनोपार्जन बहुत जरूरी हो गया है। रोटी कमाण वास्ते भी आदमी सिर पे है नहीं, बच्चों की पालना करनी है, बच्चे छोटे छोटे आपकी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, बच्चों की बनाना चाहनी है, तो इस करके भी ये गल सीखण करके भी बच्चों की भी सहूलत पिछे भी बच्चे की जिंदगी बन जाए। इन गलीचों के साथ साथ यहाँ बैग बनाना भी सिखाया जा रहा है। जाहिर है कि बैग बनाना सीख जाने के बाद ये खुद का काम शुरू कर सकती है और अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। अब तकरीबन सारी लड़कियां सीख गई है और अब ये बोल रही है कि हमें अपना काम खुद करना है, इस ट्रेनिंग सेंटर में सीख के, चाहे तो हमें यही प्रोडक्शन करें, चाहे हमें घर में जाके अपना काम शुरू करें। इतना ही नहीं, अधिक उम्र की महिलाओं को भी उनके उपयुक्त काम सिखाया जा रहा है ताकि चंद रुपयों के लिए वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। अखरता दा असली मकसद है कि लोग पढ़ लिख के अपनी आर्थिक हालत नूं चंगा बनाउण, अपनी जिंदगी नूं चंगा बनाउण, अपने आले दुआले नूं चंगा बनाउण, अपने पूरे भारत नूं चंगा बनाउण। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ नव साक्षरों को बौद्धिक खुराक भी मिलती रहे, इसके लिए जिले के करीब 500 गांवों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। दरअसल ये पुस्तकालय ही तो सतत शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी आते हैं और नव साक्षर भी, साथ ही गाँव की महिलाएं भी इस मामले में पीछे नहीं है। जाहिर है इन लोगों का मन पढ़ने पढ़ाने में रमने लगा है, जो आने वाले कल के लिए एक सुखद संदेश है। और ये साक्षरता से आई जागरूकता का ही नतीजा है कि पहले जहां बालिकाओं को घर में चूल्हे चौके में उलझा कर रख दिया जाता था, वहीं अब बड़ी संख्या में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की बजाय लड़कियों को अब खेल कूद जैसी गतिविधियों में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सचमुच निरक्षरता के काले बादलों को चीरते हुए साक्षरता का सूरज इस जिले पर सतत अपनी रश्मि बिखेर रहा है। Thank you.
ना चलेंगे, जो हम पढ़ेंगे फिर ना चलेंगे, जो हम पढ़ेंगे फिर ना चलेंगे। शहरों के होंगे ना भरोसा, रे पढ़ने चलियो राजा, राजा रे पढ़ने चलियो राजा, राजा रे पढ़ने चलियो राजा। आओ में चाचा लग रही रे, आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति, इसका एक नमूना है इनका नृत्य। इतने लोगों का एक साथ एक लय और ताल पर नाचना, यही तो खासियत है इस नृत्य की। इसकी सामूहिकता और इसकी वानगी तो देखिए, कितना बढ़िया तालमेल है इनके बीच। नृत्य की एक खासियत तो एक प्रतीक है उन आदिवासी लोगों की जो टोलियों में रहते हैं और जिनका सामाजिक दायरा इतना बंधा हुआ है कि कोई भी बाहरी ताकत उसे भेद नहीं सकती, नहीं वे किसी बाहरी चीज को जल्दी स्वीकारते हैं। ऐसे में जब आदिवासियों के बीच साक्षरता अभियान छेड़ने की बात चली तो स्वयं सेवकों के सामने जो सवाल आया वो था कि पढ़ाई लिखाई की बात करने के लिए इन तक पहुंचा जाए तो कैसे। चूंकि आदिवासी अपनी निजी जिंदगी या अपने छोटे से सामाजिक दायरे में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में स्वयं सेवकों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कि इन भोले भाले आदिवासियों का मन जीत कर इनके विचारों तक कैसे पहुंचा जाए। आदिवासी क्षेत्र विशेष इस चुनौती को स्वीकारा सत्यनारायण, रामाराव, मल्लिकार्जुन और किशोर जैसे स्वयं सेवकों ने। इन्होंने गांव में घूम घूम कर लोगों के नजदीक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे वे गांव वालों के बीच विश्वास पैदा करने में कामयाब तो हो गए, पर जैसे ही उनसे पढ़ने पढ़ाने की बात की तो उन्होंने ना कर दिया। इसका कारण भी बड़ा साफ था। ज्यादातर किसान या तो छोटे किसान थे या फिर खेतीहर मजदूर, लिहाजा उनके पास इस बात की फुर्सत ही नहीं थी कि पढ़ने लिखने में अपना समय दे सके, और न ही वे इसकी जरूरत समझते थे। तो जब कोई भी पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार नहीं हुआ तो इन स्वयं सेवकों को लगा कि वे नाहक ही परेशान हो रहे हैं। अरे पढ़ा लिखा कर वे जिसकी भलाई करना चाहते हैं वही तैयार नहीं है तो फिर ये सब किसके लिए करें। स्वयं सेवक मल्लिकार्जुन ने निरक्षर किसानों को इकट्ठा कर उन्हें खेतों में फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल की जानकारी देनी शुरू की। उसने किसानों को बताया कि आप अपने खेतों में कड़ी मेहनत तो करते ही हैं, इसके साथ यदि आप खाद और कीटनाशकों का भी प्रयोग करें तो इससे खेतों में 20-30% अधिक अन्न उपजा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जिस फर्टिलाइजर या कीटनाशक का प्रयोग करें पहले उसकी जांच कर ले कि कहीं वो असरहीन तो नहीं हो गया, और ये तभी पता चलेगा जब आप पैक पर छपी निर्माण तारीख को पढ़ेंगे, और डिब्बा पढ़कर इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि आप जिस रसायन का प्रयोग करने जा रहे हैं वो फसल के मुताबिक ठीक है या नहीं। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है। मल्लिकार्जुन की बात छोटे आदिवासी किसानों की समझ में आ गई, फिर तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखने में कोई हिचक नहीं दिखाई। पर कुछ ऐसे भी किसान थे जो अपने खेतों में प्रयोग के लिए रासायनिक खाद तो खरीदते थे पर बिना कुछ देखे सुने। दुकानदार से डब्बा लिया और दे दिए पैसे, बस न तारीख देखी न कीमत। ऐसे में एक तरफ तो दुकानदार भी उसे कई बार बेवकूफ बना जाते थे और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सही नहीं होने की वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता था।
स्वयं सेवक शमशुद्दीन ने फर्टिलाइजर्स के जब ऐसे ही फायदे और नुकसान के बारे में किसानों को बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों को शमशुद्दीन समझा पाया वे तो पढ़ना लिखना सीखने लगे। అవసరాలు తీరాలంటే ఆదాయం కావాలి అవసరాలు తీరాలంటే లేకిన్ జబ్ కరీమ్ కా ఖేత్ గలత్ రసాయనో కే ప్రయోగ్ కే కారణ్ చౌపట్ హో గయా తబ్ జాకర్ ఉసే పఢాయి కా మహత్వ సమజ్ మే ఆయా ఫిర్ తో వో శంషుద్దీన్ కీ కక్షా మే ఆనే లగా ఔర్ పఢ్నా లిఖ్నా సీఖ్నే లగా అవసరాలు తీరాలంటే ఆదాయం కావాలి ఇత్నా హీ నహీ खेतों में टहलते वक्त भी शमशुद्दीन ने उसे खेती बाड़ी के बारे में काफी कुछ बताया। करीम तो शमशुद्दीन का भक्ति बन गया। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाके में बसा है यह गांव, नाम है धर्मवरम। इस गांव में 150 के करीब घर हैं और करीब 1000 लोग यहां बसते हैं। आदिवासी बहुलता वाले इस गांव में विकास के नाम पर यदि कुछ है तो बस एक कच्ची सड़क। यहां यातायात के साधनों में भी कमी है, इसीलिए लोगों को अधिकतर पैदल ही दूरी तय करनी पड़ती है। इस इलाके के लोगों के पास यूं तो अपनी जमीनें भी हैं, पर वो इतनी कम है कि उसकी उपज से साल भर का गुजारा मुश्किल होता है। नतीजन वे मजदूरी करते हैं, पर दिन भर की कठिन मेहनत की एवज में उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। स्वयंसेवक रामाराव ने यहीं से रास्ता निकाला। उसने रात के समय मजदूरों को इकट्ठा कर उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उनको उनकी मेहनत के मुकाबले कितनी कम मजदूरी मिलती है। इससे पहले इन आदिवासी मजदूरों को ये नहीं पता था कि उनको उनके काम की कितनी कीमत मिलनी चाहिए। सरकार ने तो उनके लिए मजदूरी भी तय कर रखी है, लेकिन उसका पता भी तभी तो चलेगा जब इन लोगों को थोड़ा पढ़ना लिखना आएगा। निरक्षर मजदूरों को रामाराव की बात जमी और उन्होंने रामाराव से अक्षर ज्ञान पाना शुरू कर दिया। स्वयं सेवकों की मेहनत और प्रेरणा का ही नतीजा है कि अब तो निरक्षरों को इंतजार होता है कि कब कृष्णन सर आएं और आकर पढ़ाएं। और कृष्णन सर के मोपेड की आवाज जैसे ही सुनाई पड़ती है सबों का ध्यान उधर ही चला जाता है। जब वे आ जाते हैं फिर तो पढ़ने का दौर शुरू हो जाता है। वे पढ़ते भी हैं, मुद्दों पर बहस में हिस्सा भी लेते हैं और गाना बजाना तो करते ही हैं। गुड़गु गुड़गु कोलतलु कोलतलु मूरा मूरा द्वारा द्वारा नूकलु नूकलु गुड़गु गुड़गु। स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बहस में हिस्सा भी लेते हैं और गाना बजाना तो करते ही हैं। पढ़ाई लिखाई के प्रति ये बेताबी आने वाले कल के लिए एक शुभ संकेत है।